हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। यह है हमारी सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड नंबर 19, जिसमें बनाना है कोबलस्टोन फार्म। वैसे भी वो पीछे वाला पहाड़ तोड़ तोड़ के थक गया था, तो अब बनाना है कोबलस्टोन फार्म। उसके अलावा मुझे एक क्रीपर फार्म बनाना है, तो उसके लिए भी मुझे बहुत सारे कोबलस्टोन चाहिए। अब क्रीपर फार्म इसके लिए बनाना है क्योंकि उससे मुझे मिलेगा गन पाउडर, और गन पाउडर से बनेगा TNT, और TNT से फिर मुझे नेदर में जाके थोड़ा दिवाली में धमाका करना है ताकि मुझे मिल सके नेदराइट। हाँ ठीक है, डायमंड का फुल सेट तो नहीं है मेरे पास, बट नेदराइट के लिए हम जा सकते हैं। चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो कुछ स्टोन है उसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स कोई भी चलेगा। उसके अलावा दो वाटर बकेट, एक लावा बकेट, एक असेशिया का ट्रैपडोर, मतलब ट्रैपडोर कोई भी चलेगा, और दो चेस्ट, चार हॉपर और कोई भी स्लैब। और जो नीचे के आइटम है वो सारी मैंने AFK बनाने के लिए, एक रूम बनाना है उसके लिए रखी है, बाकी ज़रूरत नहीं है। जो ऊपर की चीज़ें वही ज़रूरत है। बहुत आसान है, बहुत एफिशिएंट है, और ये पॉकेट एडिशन जावा बेडरॉक हर एक में एफिशिएंटली वर्क करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने सामने जहाँ लेदर फार्म है वहीं उसके बाजू में बनाना है, वहाँ पर मैंने एक स्टोन कटर रखा हुआ है ताकि मैं देख सकूँ कि कौन सा मुझे स्टोन एक्चुअली यूज़ करना है। तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ, तो एक तो स्टोन ब्रिक है और एक ये है, ठीक है, तो मैं इसी को यूज़ करना चाहता हूँ। और देखते हैं, वैसे भी आज कभी तक मैंने किया नहीं है इस सीरीज़ में, तो इस बार इसी से कुछ बना लेते हैं। ठीक है, 2084 हो गए, बस इतने इनफ है। और ये तो मैंने अपने निशान के लिए रखा था, तो यहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले काम करना है 4x6 का फिक्स, 4x6 की साइज़ में हमें पूरे ब्लॉक रख देना है। तो वो पहले रख देता हूँ, 1, 2, 3, 4, इस साइड भी 2, 3, 4, 5 एंड 6, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, इतना होने के बाद हमें काम करना है, जो स्टार्टिंग के दो ब्लॉक है उसे तोड़ देना है। और यहाँ पे हमें चाहिए चेस्ट एंड हॉपर चाहिए, तो हॉपर मैं ले लेता हूँ। चेस्ट को यहाँ पे रखना है ऐसे, और एक ऐसे, फिर उसके बाद हॉपर लेने, हॉपर को एक ऐसे क्राउच करके लगा देने, चार हॉपर। ठीक है, उसके बाद जितनी बाकी की जगह बची है उसे फिल कर देना है। बस इतना होने के बाद हर एक जगह पे दो दो ब्लॉक ऊपर आ जाना है, ठीक है। इतना होने के बाद स्लैब लेना है, और स्लैब को यहाँ पे रख देना है, यहाँ पे, ठीक है, और ट्रैप डोर को रख देना है इस साइड। ओके, एक्चुअली यहाँ पे नहीं रखना है, एक सेकंड, स्लैब को रखना है यहाँ पर, ठीक है, और ट्रैप डोर को भी इस साइड ऐसे। इतना होने के बाद फिर अंदर आना है। ओके, अंदर आने के बाद यहाँ पे ब्लॉक लगा देने हैं, चार ऐसे, ठीक है। उसके बाद वाटर बकेट लेनी है, और वाट पहले ये डोर बंद कर दूँ, ठीक है, और ऐसे पानी डाल देना है, ठीक है, ऐसे पानी डाल देना है दो बकेट। ठीक है, पानी डालने के बाद यहाँ से इसे ब्लॉक कर देना है, बस हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ लावा डाल देनी है एंड यू आर रेडी टू गो। ये लावा धीरे धीरे पूरी स्प्रेड हो जाएगी। अगर आप चाहो तो यहाँ पे चार बकेट भी डाल सकते हो ताकि ऐसे फ्लो प्रॉपर मेंटेन रहे। और ये हो चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप ऐसे तोड़ते जाओगे, ये स्टोन बनता जाएगा। सिल्क टच होगी तो आपको स्टोन मिलेगा, अगर सिल्क टच नहीं है तो फिर आपको कोबल स्टोन मिलेगा। जो भी है यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 11 कोबल स्टोन बन चुके हैं, मेरे पास सिल्क टच नहीं है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये तो अभी पूरा मैन्युअल चल रहा है, ऑटोमेटिक बनाने के लिए एक AFK रूम बनाना पड़ेगा। AFK रूम बनाएंगे तो ज़ॉम्बीज या किसी भी मॉब का रात को खतरा हो सकता है, तो उसके लिए एक रूम बना लेते हैं ताकि हम अच्छे से काम कर सकें और वो लोग भी हमें डिस्टर्ब ना करें। तो एक काम करते हैं, यहाँ से, ठीक है, ऐसे,
और एक साइड ऐसे, मैं इधर खड़ा रहूँगा, तो एक और ब्लॉक मुझे आगे आना पड़ेगा। ओके, तो ये अगर बंद हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो काम करते हैं, स्टिकी पिस्टन बना लेते हैं। स्टिकी पिस्टन से हम ऑटोमेटिक पूरा बनाते हैं। स्टिकी पिस्टन, दो स्टिकी पिस्टन लगे, चार लगेंगे। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ से स्टिकी पिस्टन एक ऐसे लगाते हैं, एक ऐसे, ठीक है, और एक ऐसे, एक ऐसे। ओके, और बाकी सारी चीज़ों को पहले बंद कर देते हैं। ओके, और इसको एक्सेस करने के लिए लीवर, एक इधर, एक इधर, और रेडस्टोन लगानी पड़ेगी। तो पहले हर एक साइड एक एक ब्लॉक लगा देता हूँ, उसके बाद रेडस्टोन ले लेता हूँ। और रेडस्टोन को यहाँ एक बार ट्राई कर लेते हैं। आई एम नॉट सो श्योर कि ये वैसे प्रॉपरली वर्क करेगा, बट लेट्स हैव अ ट्राई। ओके, ये हो गया एंड ये भी हो गया। ओके, सही है। एक बार मैं वापस लगा देता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि हाउ विल इट वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाना है, ये बंद कर देना है। बस आप यहाँ पे अंदर आ गए, आप यहाँ पे रात को काम कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा अंधेरा है, तो अंधेरे के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं श्रूम लाइट लेकर आया हूँ, तो मैं यहाँ पे श्रूम लाइट लगा देता हूँ ताकि उजाला भी बना रहेगा और लुक भी थोड़ा अच्छा रहेगा। तो श्रूम लाइट ये रही। ठीक है, अब एक बार अंदर चल के देखते हैं। ठीक है, देखो अभी उजाला भी है और आप आराम से यहाँ पे काम कर सकते हो। यहाँ पे आप एस के भी ओके काम कर सकते हो। मैं अभी एक बार टेस्ट करके बताऊँगा कैसे ये वर्क करेगा। एक बार मैं बाहर चला जाऊँ। ठीक है, बाहर से कुछ ऐसा लग रहा है, अभी थोड़ा डेकोरेशन करना बाकी है। एक बार मैं डेकोरेशन कर लेता हूँ और एफ के कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, और एक मिनट में कितना माइन होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो फिलहाल मैं फटाफट इसका डेकोरेशन कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। A few moments later. Okay, so finally मैंने थोड़ी बहुत डिज़ाइन कर ली है, तो मैं दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ब्लॉक्स ऐड कर लिए ताकि यहाँ से मुझे स्टिकी पिस्टन्स ना दिखाई दे, बाहर से लुक गंदा ना लगे, और सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी की है। उसके अलावा मैंने साइड में भी थोड़े बहुत ब्लॉक्स लगा दिए और लैंटर्न लगा दिए ताकि अंधेरा भी ना रहे, और इस साइड भी थोड़ा सेम सेम वैसा ही है कुछ ऐसे, ताकि अंधेरा ना हो और कोई मॉब अंदर यहाँ कहीं पे स्पॉन ना हो जाए। और अंदर तो मैंने श्रूम लाइट लगाई हुई है ताकि अंदर हम जब माइनिंग करें तब अंदर अंधेरा ना हो। और यहाँ पे भी मैंने स्टोन लगा दिया ताकि जब ये पिस्टन ऐसे स्वाइप होगा तो ग्रास ऐसे कटेगी नहीं और गंदा लुक ना लगे, इसके लिए। तो एक बार अंदर चलते और देखते कि एक मिनट में हम कितनी बार कितने स्टोन माइन कर सकते, एक बार चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास पिकेक्स है, उस पर एफिशिएंसी 4 है और अनब्रेकिंग 3 है। वैसे एफिशिएंसी 4 नहीं होगी फिर भी इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़े बहुत स्टोन कम होंगे, बट अच्छी खासी अमाउंट में आप कर सकते हो। तो एक बार ट्राई करते हैं, मैं दिखा देता हूँ कि कैसे क्या करना है। एक बार यहाँ पे आना है और आप एक बार रूम में आ जाओगे अंदर, ठीक है, ऐसे। अब बाहर से कोई भी मॉब आप अंदर नहीं आ सकता, रात को आप आराम से माइनिंग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल मैं इसे अंदर ले लेता हूँ अपनी पॉकेट में और चेक करते हैं। अब आपको क्या करना है कि माइनिंग करते करते F3+T दबाना है ताकि आप ऑटोमेटिक ये माइनिंग की प्रोसेस चालू रहेगी, आपको कुछ नहीं करना है। तो एक बार मैं F3+T दबा के उस मोड में चला जाता हूँ और फिर एक मिनट तक हम ट्राई करते हैं कि कितने स्टोन हमें मिलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं F3+T दबा रहा हूँ। ओके, सो एक मिनट हो चुकी है। अब देख लेते हैं कि एक मिनट में हमारे पास कितने कोबल स्टोन आ चुके हैं।
तो एक स्टैक और उसके ऊपर 45 कोबलस्टोन, तो काफ़ी अच्छी अमाउंट में हमें मिल चुका है कोबलस्टोन। अगर आप सोचो कि एक पहाड़ को ऐसे तोड़ के आप एक मिनट में कितने स्टोन निकाल सकते हो, हार्डली 20 या 30, तो इससे बेटर है कि आप AFK होके ऐसे ही निकाल लो। ये इवन आप स्टार्टिंग की सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करो तब भी आप बना सकते हो, कोई ऐसी खास चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। तो ओपन कर लेते हैं और निकलते हैं बाहर। तो ये आ गए बाहर और यहाँ पे शाम भी हो गई। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही माइनक्राफ्ट के वीडियोज के लिए और सर्वाइवल सीरीज देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, पीस आउट। Don't you think we're done?